चलें जी, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था अली भाई कि आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी जी। तो क्योंकि अली भाई, क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आपका भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनका इंट्रो करवा दूं। जरूर जी, बिल्कुल, इंट्रोडक्शन काफी बड़ा होना चाहिए क्योंकि बहुत ही मुस्तनद और बहुत ही बड़ी अदाकारा है इस वक्त हमारे साथ। ऐसा ही है, जो उनकी प्रोफाइल की जो एक सबसे खासियत है, वो सबसे बड़ी खासियत यह है कि शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस। और इसके साथ साथ अली भाई, जितनी भी वीडियोस, जितने भी इंटरव्यूज हमने उनके देखे हैं, उससे पता चलता है कि बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के सामने एक अपनी इमोशनल साइड रखते हैं। तो उनके अंदर एक इमोशनल इंसान भी है और बहुत मेहनत के बाद, बे इंतहा वक्त गुजारने के बाद, बे इंतहा जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देने के बाद, उन्होंने अपने करियर का पहला अवार्ड भी जीता, जिसके लिए सारे एक्टर्स उनके लिए बे इंतहा खुश थे। उसके साथ साथ इन्होंने अपना बहुत ही खूबसूरत पहला घर भी लिया है, जो कि वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे और एक एक शख्स ने कहा था माशाल्लाह। तो आप सबकी भरपूर दुआओं में बुलाते हैं जी सोनिया हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। एक्चुअली हैं तो हम लोग काफी अरसे से सब साथ, बट मेरे ख्याल से गालिबन आज आपसे तो पहली दफा मुलाकात, मेरी भी पहली दफा मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि पहली दफा मिल रहे हैं। और आप तो यू नो सच अ ग्रेट सरप्राइज, मुझे नहीं पता था यू आर सच एन अमेजिंग। अरे हम तो खुद आपके फैन है और मैं काफी अरसे यहाँ पे, सोनिया था नहीं, लेकिन हमेशा आप लोगों का काम जो है, चाहे वो हिना का हो या आपका जितना भी काम हो, मुझे लगता है आपने तो अपने पहले ही प्रोजेक्ट से जो है ना लोगों के दिलों में बिल्कुल घर कर लिया था। बाकी इतनी वर्सटाइल आप जो है वो एक्ट्रेस हैं और आपने मॉडलिंग भी की है, इसके अलावा आप जो है वो थोड़ी बहुत होस्टिंग भी आपने की है। होस्टिंग आई थिंक एक ही विरसा शो होता है, एक जगह पे आपने की है, लेकिन एक्टिंग हमेशा से फर्स्ट पैशन ही रहा है। अब नाउ जब से एक्टिंग को परसू किया है उसके बाद से तो जी बिल्कुल। बट यू नो कमिंग दिस फ्रॉम यू, इट्स सच अ कॉम्प्लीमेंट, एंड हिना थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली लवली इंट्रोडक्शन। नहीं यार, ये मेरी ड्यूटी है एंड यू डिजर्व इट। एंड तो अली भाई, आई थिंक हम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, और हम मेकअप रूम में भी यही बात कर रहे थे कि हम जानना चाहते हैं कि जो आज द सोनिया हुसैन है माशाल्लाह, तो उनके करियर का आगाज कैसे हुआ, कैसे सोचा कि मुझे एक एक्टर बनना है? अच्छा, वैसे सोचा तो मैंने कभी भी नहीं था एक्टिंग का, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही थी, तो दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वो ऐसे बाय द वे इंटरव्यू हो रहे थे हमारे कॉलेज में, और वहाँ पे किसी ने कहा कि न्यूज़ एंकर के, वही होस्ट के लिए तो मैं उसके लिए बिल्कुल, उन्होंने मुझे मना कर दिया था, आप बिल्कुल होस्ट नहीं कर सकती हैं, और आपका और न्यूज़ एंकर के लिए तो यू नो वो कहते हैं कि आपको थोड़ा सा, उस वक्त मैं थोड़ी चबी भी थी और थोड़ी बहुत छोटी भी लगती थी, उन्होंने कहा नहीं आप तो नहीं हो सकता आपका। तो खैर वो एनी हाउ ख़त्म हो गया, मैं कहा चलो अपना करियर परसू करती हूँ। बट उसके बाद आई थिंक 2-3 वीक्स के बाद वहाँ से कॉल आई कि हम यू नो हम एक ड्रामा है दरीचा, उसके लिए हम कास्टिंग कर रहे हैं और आपका जो फेस है बहुत यू नो टू द पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर है, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस? तो माय फादर सेड या ओके श्योर करो, क्या पता उसके बाद तो मैं न्यूज़ एंकर में ले ले। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट। अच्छा, लेकिन सोनिया मैं एक बात बोलूं, इट्स सो स्ट्रेंज, इवन माय फादर वाज लाइक कि हाँ है ना तुम न्यूज़ एंकर बन जाओ, तो मुझे समझ नहीं आता कि फादर्स को न्यूज़ एंकर होने से क्या लगता है, ये सेफेस्ट है जरा। मे बी आई नहीं, इसके अलावा क्योंकि जो फादर्स यूजुअली होते हैं वो न्यूज़ से बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, न्यूज़ से बहुत हर वक्त न्यूज़ सुनते हैं, तो उनको लगता है शायद ये बस यही, दिस इज द एंटायर वर्ल्ड। तो वो आपका पहला ड्रामा था जिसमें आपने काम किया, ये किस सन की बात होगी? ये आई थिंक 2012 की बात है, और 2012 हाँ, इट्स बीन 10 इयर्स ऑलमोस्ट। अच्छा, 10 साल आपको हो गए। और कहां आपको लगा कि जिस वक्त शुरुआत तो कर दी, शौक शौक में करना होता है, लेकिन किसी फील्ड पे ऐसा लगा कि मुश्किल है फील्ड, मुझे आगे जाना मुश्किल लग रहा है? एक्चुअली जो फर्स्ट सेकंड डे ही था उस पे, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे थे और फिर उसके बाद डायलॉग्स जब मैं कहने लगती थी तो फौरन से कैमरा में कहना शुरू हो जाती थी, मुझे लगता था कैमरे में देख के कहना होता है। तो सारे सीनियर एक्टर्स थे, नायला जाफरी थी मेरे साथ, उनके साथ पहला प्रोजेक्ट था मेरा, बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। भैरव सब्जवारी थे, जावेद अंकल का बहुत अच्छी कास्ट थी, लेकिन जब सीनियर साहब काम कर रहे होते हैं ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा पेशेंस उस तरह नहीं होता, बिल्कुल बहुत मैं डरी भी थी और मैंने सोचा था मैं बिल्कुल नहीं एक्टिंग करूँगी, मेरा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी एट ऑल, लेकिन ये फिर इवेंचुअली वो बहुत अच्छे सीनियर्स थे तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो फिर
कंटिन्यू किया. दो दिन तक मैं घर बैठ गई थी, मैंने कहा मैं नहीं जा सकती. डर के ना कुछ इंसान कभी-कभी डर भी जाता है. हां एग्जैक्टली हो जाता है. और वो एक क्योंकि जब मैं डायलॉग्स पढ़ रही होती थी ना, जब मैं अटकती थी तो बहरोज अंकल यूं देखते थे. शुक्र है कि आपके साथ बहरोज भाई और इस तरह के लोग अच्छे सीनियर्स थे. वरना आप तो कंपटीशन भी बहुत है. नायला आप हरसेल्फ एक बिल्कुल एक आप कह लें कि एक बुनियाद है एक्टिंग की. वो तो उनसे बहुत सीखने को मिला था. घर वाले सपोर्ट करते थे जब आपको देखते थे ड्रामों में? तो कोई वालदा या आपके वालिद साहब या बहन भाई कभी कभी होता है ना इनकरेज ज्यादा करते हैं. कोई एक आध होता है जो बोल रहा होता है ये तुम किस चक्कर में पड़ गए. तो आपको कैसा रहा घर वालों ने सपोर्ट किया? ये मैं कहूंगी कि मेरे घर से हमेशा माशाल्लाह बहुत सपोर्ट रही है. सब बहन भाई से लेके अम्मी अब्बू किसी ने भी कभी कोई उस तरह नहीं कहा कि नहीं. हाँ ये जरूर है कि अम्मी तनकीद करती हैं बहुत दफा कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, जो कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है. लेकिन ये कि उस तरह से डिस्करेज कभी भी फैमिली तरफ माशाल्लाह ठीक है. अच्छा क्योंकि सोनिया रमजान है, रोजे हम रख रहे हैं, इफ्तारियों की प्रेपरेशन भी घरों में हो रही होती है, तो कोई इंटरेस्ट है किचन में जाने का या थोड़ा है कम? माशाल्लाह. तो सोनिया सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? आई थिंक सबसे अच्छा क्योंकि ज़्यादा वो बनाती तो शाही टुकड़े मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ. और यूजुअली जो ये भी कोविड का जो टाइम गया था इसमें समोसे बहुत अच्छे बनाना सीख लिया मैंने. तो काफ़ी सारी आई थिंक बेकिंग की चीज़ें जो हैं वो मुझे इतनी नहीं आती, लेकिन उसके अलावा कुछ भी बनवा लें तो फर्स्ट टाइम में अच्छा बना. दाल चावल कढ़ाइयां ये भी बना लेते हैं? नहीं शेफ से बात शेफ के मुकाबले शेफ आप सुन रहे हैं हमारी गेस्ट को कितनी अच्छी कुकिंग आती है. जी मतलब ये गुजारा हो जाता है, आप जैसे तो नहीं है. गुजार साहब को देख के अपनी थोड़ी सी टोन चेंज कर ली है वैसे. अरे मैं चाहूंगी कि अगर सो सॉरी शेफ, अगर हम 3-4 मिनट लिए सोनिया अगर हम शेफ गुलजार के पास चलें तो फिर आप चरगा वहीं पर आराम से देख लेंगे. कर लेते हैं. आप क्या रोजों में हमें चरगे दिखा रहे गुलजार भाई? मैं यहीं से देखूंगा चरगा क्योंकि मेरी नियत बहुत खराब हो रही है. उसमें धुआं भी उठ रहा है और बहुत ग्रीन ग्रीन आपने सजाया हुआ भी है. तो बहुत बेहतरीन लग रहा है चरगा ये तो. ऊपर जो है ना अगर खट्टा खट्टा सा जो है ना चाट मसाला अगर ना छिड़का जाए तो फिर आ जाते आई थिंक लगता है रोजे का सही इम्तिहान है. ठीक है तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला भी देंगे और इंशाल्लाह खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें जबरदस्त. ये हमने मैरिनेट पूरी रात किया है इसको मैंने, यानी कि जो सब रोजो का साबुत चिकन होता है इधर हमने लिया है और इसे हमने 1 कप दही और 1 कप एक जो पैकेट होता है तंदूरी मसाले का उसके साथ हमने इसे पूरी रात मैरिनेट किया. और उससे क्या होता है कि ये जितना ज्यादा मैरिनेशन होगी अच्छा उतना अच्छा टेस्ट इसका आपको मिलेगा. और काले चने जैसे मैंने आपसे कहे थे आप भी खाती हैं काले चने? अच्छा ठीक. तो वैसे तो काले चने तो वेट लॉस एंड आई थिंक हेल्दी भी बहुत ज्यादा होते हैं. सही. दो तरीके से बनाए जाते हैं. अच्छा वो तरीका होता है जो हमारा जो आम तरीका है घरों में जिस तरह से बनाया जाता है कि हम इसको चाट की तरह सिर्फ मिक्स करके खा रहे होते हैं. सही, लेकिन सही. एक तरीका कार ये होता है कि इसको बाकायदा पकाया जाता है और पकाने के बाद प्याज थोड़ी सी कच्ची पक्की रखी जाती है, उसके बाद इसमें चने ऐड किए टमाटर. लेकिन आपने देखा होगा इसमें टमाटर और आलू जो है वो ज्यादा ओवर कुक नहीं हुए. बिल्कुल मैं यही देख रही हूँ. और कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ आखिर में जो है ना इसके अंदर इमली का पेस्ट ऐड किया जाता है. खटास तो के ये लिए. थोड़ा साउथ स्टाइल का जैसे नहीं होता खाना, ये उस टाइप का. सही है. समझ रोजे में आजमाइश है और आज अभी सोनिया भी यही कह रही थी कि आज है इम्तिहान हमारा. आज इम्तिहान है. मुझे लगता है हमारे पाकिस्तानी डिशेज में यूजुअली बहुत ओवर कुक कर देते हैं खानों को. सबसे अच्छा यही होता है कि आपकी सारी चीजों का टेस्ट आ रहा है, नजर आ रहा है. ट्रू. कलर हमारे यहाँ एक मसला है ना, हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम सब्जियां खाते हैं सब कुछ खाते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा हमें. तो
इसलिए आपको फायदा न्यूट्रिशन निकल चुका है। कुदरत जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपको ना हर चीज का कलर दिया है, और हर कलर जो है इसको कहते हैं हम कलर थेरेपी। इंसान की बॉडी के अंदर जो है ना ग्रीन येलो रेड ये सारी चीजें हमारे जिस्म में काम कर रही होती है, तो हम अगर उसको गुलती बना देंगे यानी कि सब्जी बनाकर उसको इतना बुरा हाल कर देंगे। टेम्परेचर होना चाहिए खाने का, उससे ज्यादा आप टेम्परेचर पे करें तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। अब आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो चाइनीज और जापानीज खाने जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है, और अली हैदर तो ज्यादा खास तौर पर जानते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, आपको पता ही होगा कि अमेरिका के अंदर सुशी बार में इसमें कितना रश होता है। वो तो कह रहे मेरे खान से कोई ताल्लुक ही नहीं है आज। आखिर वजह क्या है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इधर पर आ ही जाऊं मेरा ख्याल है। वजह यही है कि जो कलर्स होते हैं जो खाने को ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं जी, उन ममालिक में आप देखें कि हार्ट अटैक का मसला ज्यादा होता है जी, उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर वाला मसला ज्यादा होता है, शुगर का मसला ज्यादा होता है। लेकिन इन ममालिक में आप देखें एक तो लाइफ लंबी होती है, जापानी लोगों की जिंदगी अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो लोग बहुत कम कुक हुआ हुआ खाना खाते हैं। इसीलिए इस वक्त दुनिया भर में जो है लोग चाइनीज जो मेक टू ऑर्डर हो, यानी कि अगर आप ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो ऑयल को 2-3 दफा गरम ना करें, ठीक। एक दफा आपने फ्राई कर लिया बस 2 दफा कर लें, ज्यादा ज्यादा 3 दफा 4 दफा 5 दफा, अगर जितना आप उसको ज्यादा ओवर कुक करते जाएंगे उतना ही आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा और फिर हार्ट अटैक का बायस बनेगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। और आप देखें जितने भी मैक्सिकन खाने हैं या अरब्स के खाने हैं या जैसे अभी आप बता रहे हैं जापानीज हैं, हार्डली कुक इसीलिए करते हैं क्योंकि सामने सामने ला के ऑर्डर होता है, यानी कि आपने अभी ऑर्डर किया आपके सामने बनकर आ गया आपने खा लिया बस खत्म, उसके बाद रीहीट करने का दोबारा गरम गरम करके बार बार ठंडा पानी पी लो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो ये इफेक्ट करता है क्योंकि आपका स्टमक जो है पिछले कोई 18 घंटे से खाली होता है, तो बहुत गलत होता है। तो सोनिया आप हेल्थ कॉन्शियस हो कि मैं खुद कुकिंग करूंगी, मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगी, कभी कभार वो एकदम से हम सबको भूत चढ़ता है ना कि मुझे अपनी कुकिंग खुद करनी है, तो ऐसा आया फेज अपने आई थिंक सब जब जिस दिन ऑफ होता है उस दिन, अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा कुक है हमारे पास, तो मेरे फायदे हो जाते हैं। कोई खास रेसिपी जो आपको पसंद हो, यानी कि कोई कुजीन खास तौर पर जो आपको यूजुअली जो मुझे खुद बनाना पसंद है अपने लिए वो तो सैलेड है, क्योंकि मैं कितना भी बता दूं ना वो सैलेड को इतना चॉप कर देते हैं कि वो अलग वही वाली बात कि वो अलग अलग चीजें आपकी ब्रोकली वो सब नजर नहीं आती, तो मुझे बड़ा होता है कि बहुत क्यूब सही से कटे हुए हो, साफ सुथरी येलो कैप्सिकम बिल्कुल उस तरह से। अच्छा वही आपका खाना होता है उसके बाद खाना खाती है? असल में ड्रेसिंग जो है ना वो उसका मसला है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ लोगों में कॉन्सेप्ट कम है थोड़ा ड्रेसिंग का ना, हालांकि ड्रेसिंग अगर अच्छी ऑलिव ऑयल से बनाया जाए, जैसे अभी डालडा कुकिंग ऑयल है इनका जो है ऑलिव ऑयल भी मौजूद है, तो ऑलिव ऑयल से अगर आप गार्लिक के साथ ऑलिव ऑयल और लेमन इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर ड्रेसिंग बनाकर आप इस्तेमाल करें आपको बेतहाशा फायदा होगा आपका, एक तो ब्लड में जो गाढ़ापन हो जाता है वो आपको नहीं होगा, हार्ट भी सही काम कर रहा होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं। हम खाना खा रहे होते हैं तो सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, यानी कि हम सैलेड की तरफ कभी देखते भी नहीं है मुड़कर। आपने नहीं देखा होगा किसी को घर पर या किसी रेस्टोरेंट में अलग से सैलेड, या सैलेड का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि बस गोल गोल पीसेस काट लिए और उसे रख दिया, सैलेड का मकसद यही है पूरा खाना, हालांकि पूरा खाना होता है सैलेड जो होता है उसके अंदर, अगर आप खाना कंसिडर नहीं करते ना असल में उसमें प्रोटीन अगर थोड़ा, जिस खाने की सोनिया बात कर रही है जिसमें ब्रोकली भी है, जिसके अंदर अगर कोई चिकन के पीसेस भी डाले वो प्रॉपर मील है, प्रॉपर मील है, उसके अंदर आप हॉट डॉग वगैरह डाल लें चॉप करके, उसके अंदर आप थोड़ा सा बॉइल्ड एग्स डाल लें तो प्रोटीन भी आपको मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सोनिया माशाल्लाह हेल्थ कॉन्शियस है, उनको हेल्दी खाना खाना पसंद है, अगले ब्रेक में कुछ बना रही है सोनिया अपनी डाइट में क्या क्या लेती है और क्या कोशिश करती है अपनी डाइट में क्या क्या एक्सक्लूड करें और इंक्लूड। पारान रहमत के स्पेशल ट्रांसमिशन में आज का तड़का और आज की तरकीब में आपको खुश आमदीद कहते हैं, रमज़ान उम्मीद है कि साथ खैरियत से गुजर रहे होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें हर चीज़ में, खाने पीने में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से आपके जो हैं मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, तो कोशिश करें कि मियाना रवि के हिसाब से पानी और जो खाना है उन दोनों को बैलेंस करके जो है आपने, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठे पियेंगे
तब भी आपकी तबीयत में बोझल होगी, ज़्यादा ओवर अपना जो ऑयली फूड खाएंगे तो उसकी वजह से भी होगी। तो अपना सेहत का ख्याल रखें और मियाना रवि के साथ इस्तेमाल करें। आज हमने तीन चीज़ें जो है बनानी है, एक तो हमने चरगा जो है वो तैयार कर लिया है सबरोसों का, और उसके साथ काले चने जो हैं वो भी हमने तैयार कर लिए हैं, और यहाँ जो मैं इस वक्त हाथ से मिक्स कर रहा हूँ और ये है बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनने जा रही है। ठीक है, मीठ थैंक यू सो मच शेफ, बहुत ही मज़ेदार खाने बन रहे हैं और सोनिया हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें भी कर रहे हैं। सो आई थिंक अली भाई, अब हमें पूछना चाहिए है सोनिया से कि क्या रूटीन रहता है रमज़ान में रोज़ों के वक्त, कि हम रोज़े रख रहे होते हैं ऐसे कुछ, बहुत सारे लोग सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं, तो सोनिया हुसैन का क्या रूटीन है रमज़ान में? अच्छा, वैसे रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता है रमज़ान में, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ हर चीज़ बड़ी लेट स्टार्ट होने की आदत है सबको, मार्केट स्ट्रेट लेट खुलती हैं, बिल्कुल काम लेट शुरू होता है, फिर रात को लोगों को लेट आदत है ऑफ करने की चीज़ों से, तो ये कि थोड़ा सा बैलेंस उस तरह से हो नहीं पाता। नहीं तो मैं अपनी अम्मी से उस दिन बात करती हूँ कि कितना अच्छा एक रूटीन अल्लाह ताला ने बना के भेजा है कि आप सुबह उठ जाएं, नाश्ता करें, उसके बाद जो सुबह का, और मैंने ये खुद भी नोटिस किया है कि जो आप 4-5 घंटे रात को सोते हैं ना, वो आप सुबह 12 घंटे भी सोएंगे ना, आप कभी उतना फ्रेश नहीं होते। ये तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये कि हम अब समहाउ मैनेज तो करना होता है, तो मैं ये करती हूँ कि नींद ऑब्वियसली अगर आप सहरी के बाद सोते हैं तो वो पूरी नहीं होती, आपको 10 बजे सुबह उठना होता है, तो मैं 2-3 घंटे पहले सोती हूँ, उसके बाद फिर सहरी के बाद कोशिश करती हूँ थोड़ा और नैप लेके फिर उसके बाद काम पे जाऊँ। सही। और सही। लेकिन उसका मैंने ये भी एक नया एक आइडिया, पहले मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं क्या करती थी खाना खाने के बाद ना फ़ौरन, क्योंकि सहरी का वक्त होने ख़त्म हो रहा होता है तो आप फ़ौरन पानी पीते प्यास ना लगे, तब मैंने ये आइडिया निकाला पहले मैं उठती हूँ थोड़ा पहले पानी पहले बहुत सारा पी लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना खा के फिर एक गिलास। सहरी में क्या खाना पसंद करती हैं? सहरी में मैं फ्रूट्स ज़रूर लेती हूँ, मैं एग ज़रूर खाती हूँ क्योंकि वो प्रोटीन होता है, तो आपको पूरे दिन के लिए, जैसे ब्रेकफास्ट में भी मैं प्रेफर करती हूँ मैं एग ज़रूर खाऊँ क्योंकि पूरे दिन के लिए। लेकिन ये कि पराठा या इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं खाती। तो ये कि आप राइस खाते हैं तो आप सो नहीं पाते, उसके बाद आपको बहुत हैवी फील होता है। बिल्कुल। और पराठा भी मैं अवॉइड करती हूँ, पूरे दिन आपको ना एसिडिटी रहती है उसकी वजह से, तो मैं कोशिश करती हूँ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लूँ, ज़्यादा नहीं, और मीट या एग वो मैं खाना पसंद करती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सोनिया, विद टाइम इंटरेस्ट आया हेल्दी रूटीन की तरफ, या हमेशा से था कि पढ़ना, इसके बारे में नॉलेज गैदर करना कि नहीं यार मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखना है? क्योंकि पहले की पिक्चर्स में और अभी जो मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत मुख्तलिफ सोनिया हुसैन है जो आज से 5-7 साल पहले डिफरेंट सोनिया हुसैन। इस वक्त मैं बहुत मोटी थी। हाँ, तो नहीं, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हेल्दी खाने में। अच्छा। आई लव हैविंग समोसा, आई लव हैविंग एवरीथिंग जो दुनिया में बनी है, मुझे आप कुछ खिला रहे मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। पर वो ये कि एक तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि जिस फील्ड में हम काम करते हैं आप ऑब्वियसली यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे ऑब्वियसली, लेकिन और फिटनेस भी ज़रूरी होती है। और फिर ये कि रोज़ों में अगर आप खुद अगर आप बहुत ज़्यादा बदपरहेजी कर लेते हैं और अपनी मर्जी के खाने खा लेते हैं ना, तो अगले दिन आप ही को फिर पूरे दिन स्क्रीन पे आ जाता है, स्क्रीन बोलती है। नहीं, स्क्रीन नहीं, उसके अलावा आपकी तबीयत भी बहुत भारी रहती भारी है, दिल नहीं करता काम करने का, आपको नींद आती है पूरा पूरा दिन, तो वो फिर आपको खुद अपने बॉडी को सिस्टम को ठीक रखने के लिए भी आपको हेल्दी खाना। लेकिन मुझे मैं दोनों आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जैसे आदमी का यकीनन डिफरेंट है कि हम, मैं ये सोचता हूँ कि मतलब हसरत के अंदर ही सारी जिंदगी ना गुजर जाए। तो अगर मैं थोड़ा खा लूंगा, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज जरा ज्यादा कर लूंगा, एक रूटीन बना लूंगा, वो उसके लिए भी एक मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि आप पूरे हफ्ते में एक चीट डे रख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी ना एक हद तक ही मेटाबलाइज कर सकती है चीज़ों को। और उसके बाद वो जितने आप कुछ भी खा ले, मैं तो करती हूँ केक भी खा लेती हूँ, ये भी पिज्जा भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो लेता है, बाकी वो निकाल देता है, वो स्टोर नहीं करता। लेकिन उसके बाद आप अगर खाना शुरू हो जाएंगे ना, फिर वो स्टोरेज फैट की शुरू हो जाती है। वंस अ वीक, वंस अ वीक इज फाइन। हां, एंड आई थिंक अपने आप को ट्रीट भी देनी चाहिए, अगर आपने पूरा हफ्ते इतना परहेज किया है तो यू डिजर्व अ ट्रीट फॉर योरसेल्फ। अच्छा सोनिया, ये तो हो गया हेल्दी खाना एंड हेल्दी ईटिंग और एक जो लाइफ स्टाइल है, उसके अलावा हम काम से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं कि माशाल्लाह हम सब जानते हैं कि आप बेहतरीन एक्टर हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, अच्छे हीरोज के साथ काम कर रही हैं। सोनिया, कभी प्रेशर फील हुआ, कभी कंपटीशन फील हुआ इंडस्ट्री में कि उफ यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, रेटिंग की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, चीज़ों का बहुत कॉम्पिटिशन है, अच्छा दिखना है, अच्छी एक्टिंग करनी है, कभी वो प्रेशर फील हुआ?
प्रेशर एज इन कंपटीशन में तो फील नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा आई थिंक माइंडसेट उस तरह से नहीं है क्या चल रहा है. वैसे भी टेलीविजन का हमारा इतना देखने का घर पे है भी नहीं रुझान, लेकिन ये कि प्रेशर इसलिए ज़रूर फील होता है कि क्योंकि मैं काम बहुत कम करती हूँ और ऑब्वियसली आई एम द ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, तो आपको टू सम एक्सटेंट ये सोचना पड़ता है कि नहीं आपको फाइनेंशियली भी अपनी चीज़ें स्टेबल रखनी है. बिल्कुल. तो अब देखें लास्ट जो मैंने अपना प्ले किया था सराप, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के ऊपर था जी, उसको 1.5 साल हो गया अब, और उसके बाद से मैं लिटरली स्क्रिप्ट पढ़ी रही हूँ. शायद मैंने कोई 45, 50, 46 स्क्रिप्ट्स पढ़ लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा. 45, 46 स्क्रिप्ट्स पढ़ लिए, लेकिन अब 1.5 साल का मैं पीरियड भी तो आपको इतना लंबा बता रही हूँ. तो प्रेशर इस तरह से होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा और आप काम नहीं कर रहे, और ऑब्वियसली जब आपका पैशन भी वही बन जाता है अल्टीमेटली, तो आप ये कहते हैं कि कितना भी आप फैशन कर लें या कहीं और से पैसे लें, आपका जो मेन गोल तो एक्टिंग है, एक्टिंग है, कितना लंबा आप उसको लेके छोड़ सकते हैं? बिल्कुल. तो ये कि एक वक्त आता है आप कहते हैं यार चलो कुछ ना कुछ साइन कर दो, कर लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद कोई अच्छी चीज़ हो जाती है. अभी आपने ब्रेड विनर की बात की, यकीनन बहुत ही इमोशनल सी ये बात है, और मैं क्योंकि खुद भी, बल्कि सारे एक्टर्स या सिंगर्स जो है वो इमोशनल होते हैं. आपकी ये क्लिप देखी थी और वो वाकई इतनी दिल को छुई, आपके सारे ड्रामे और एक्टिंग वो अपनी जगह है, उसकी एक वैल्यू है, बट दैट क्लिप उससे इतना लोग जुड़ गए हैं आपके साथ, इतनी इमोशनल है वो क्लिप. तो आपने अपने यकीनन घर वालों के साथ एक पूरा वो जो अचीवमेंट है वो आसान नहीं होता बयान करना, लेकिन वो लोगों ने देखा भी है, थोड़ा सा आप वो मोमेंट शेयर कर सकते हैं? और अली भाई मैं सिर्फ एक चीज मेंशन कर दूं, माशाल्लाह एक तो खातून होना इतनी कम उम्र और घर बनाना, लोगों की जिंदगियां लग जाती हैं घर बनाने में, तो माशाल्लाह इतनी छोटी एज में इस चीज को अचीव किया, तो कैसे कहने को, तो आई थिंक अली साहब है ना लग रहा है कि बहुत छोटी उम्र में किया है, लेकिन छोटी उम्र की बात नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं 7 या 8 साल की थी तब से मैंने सोचा हुआ था कि घर करना है, तो वो ये आपके लिए शायद छोटा पीरियड लग रहा होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा पीरियड था. और फिर जब आप अर्न करने लगते हैं, आप कमाने लगते हैं, तो आप होता है कि आप घर देखना भी शुरू करते हैं कि चलो, तो जब मैं देखना शुरू होती थी मैं कहती अच्छा इतने पैसे चलो इतने जमा कर लेती हूँ, जब मैं जमा करती थी प्रॉपर्टी की कीमत आगे बढ़ जाती थी. और कराची में तो प्रॉपर्टी कीमत ऐसी जाती है कि आप एक अपार्टमेंट लेना भी आप सोच नहीं सकते. बिल्कुल. तो ये एक बहुत टफ और बहुत लंबी जर्नी, और आई थिंक बचपन से एक ख्वाब था जो मैंने सोचा था कि इसको पूरा करना है अम्मी अब्बू के लिए, तो वो फाइनली जाके इस दफा. आपको पता है क्या, ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं जी, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि आपने ये अचीव करने के लिए आप हर वक्त वो ख्वाब जो आपने सजा के रखा, वो वीडियो जब देखी है ना, वो बहुत सारे लोग जो है ना उनको लगा कि वाकई जिंदगी में कुछ हासिल जैसे होता है, और वो फैमिली के साथ आपने एक्सपेक्ट कर रही थी ये रिएक्शन अपनी. मैंने सोचा था कि चलो एक सरप्राइज दूंगी, जाके एक बता दूंगी इस तरह से, मुझे नहीं पता था कि अम्मी अब कोई ड्रामे में ऐसी एक्टिंग करना. आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खूबसूरत लम्हा था वो, माशाल्लाह. अल्लाह आपकी फैमिली को सलामत रखे इसी तरह. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मोमेंट था वो. आमीन. अच्छा सोनिया एक्टिंग करती है, सेट पर जाती है, हेयर होता है, मेकअप होता है, लाइन्स याद करनी है, एक्टिंग करनी है. मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम मुख्तलिफ होते हैं घर पे, हम मुख्तलिफ इंसान भी होते हैं घर पे, हमारा एक रहने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है घर पे, तो सोनिया हुसैन अपने घर में 4 दीवारी में कैसी हैं? सोती रहती हूँ, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, अली की डांट पड़ जाती है कभी कभी सामने बैठे हुए चीज़ों पे, तो बस ये है कि घर में मैं थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि आई डोंट नो, शायद मेरा साइन कैंसेरियन हूँ मैं, शायद उसका होता है इस तरह से कि बहुत यू नो शेल में बंद होना, बहुत फैमिली ओरिएंटेड बहुत होते हैं जी, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बट आई थिंक थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे हैंग आउट करना मुझे बहुत पसंद है. मुझे ये होता है कि जब ऑफ डेज आते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ या तो आप बहुत अपने अच्छे करीबी दोस्तों से मिलें, या आप अपने रूम में रहें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. तो आई प्रेफर कि मैं घर पर कुछ बना लिया, पका लिया, या घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर ली, कोई फ्रेम समझ नहीं आ रहा उसको चेंज कर दिया, क्या बोर ना हो जाएं देख देख के, तो ये मेरे इंटरेस्ट हैं.
पर्सनालिटी है या काम पर्सनालिटी है? यूजुअली काम हूँ, लेकिन जब दो तीन दफा भी बता के काम नहीं होता ना फिर मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, लेकिन ये कि गुस्सा वैसा नहीं कि हाइपर की चीजें तोड़ दी और ये वो, फौरन खत्म भी हो जाता है कि ऑब्वियसली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, हो गया तो हो गया। चलिए, अच्छा, बहुत सारी बातें आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन लग रहा है कि सोनिया को गुस्सा आता भी आता होगा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना उनको आता है कभी कभी अपना गुस्सा। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपीज जो है वो तैयार हो चुकी है, हमने आपके लिए जो है चरगा चकाचक जो है वो तैयार कर दिया, और उसके साथ काले चने जो हैं वो भी बन चुके हैं, और खीर जो है वो मेरी बड़ी गाढ़ी हुई है। सुना है कि जिसकी खीर गाढ़ी बनती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है, तो ये भी एक कहा। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं था, मैंने अपनी तरफ से कुछ शायद जज्बाती अंदाज में बोल दिया, काम में लगा हुआ था, लेकिन आपने काम की बात बताई तो आप फौरन मुड़ गए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो आज गाढ़ी खीर बनाएंगे। इसलिए कि वो कुछ मर्द औरतों के लिए तो है ना भाई पहली दफा खीर बनाना, हाँ। तो मर्दों के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो इसलिए मैंने नई चीज इजाद की है इस रमजान ये गाढ़ी खीर बनेगी, तो ये देख ले हम गाढ़ी खीर बन गई है हमारी और काफी अच्छी माशाल्लाह। और इसके साथ करछी जामेश्वरी पूरे दुनिया में माना जाता है, और साथ में शुगर पेशेंट के लिए भी बनाया जाता है, तो इसलिए आप शुगर पेशेंट और आम आदमी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। गर्मी की शिद्दत में हम जब रोज़ा रखते हैं तो एनर्जी हमारी जो है लूज़ हो जाती है, तो पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए जो मशरूब आपका पहला होना चाहिए वो ऐसा हो जो आपको ताकत और तवानाई। मेरी तरफ से बाय बाय, ओवर टू अली एंड हिना जी। क्या बात है जी, एक तो रेसिपी भी अच्छी होती है, दूसरे आप छोटे छोटे टिप्स बड़े खूबसूरत देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ठंडा ठार चटा चट, ये इनके खास गुलजार भाई के खुद के, और आज तो उन्होंने वो टिप भी दे दी कि गाढ़ी अगर आप बनाएंगे तो शायद आपकी खीर गाढ़ी अगर बनेगी, खीर अगर गाढ़ी बनेगी तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। और जिसकी शादी ऑलरेडी हुई हुई है उसका क्या, वो उसकी और जल्दी हो जाएगी, बेगमात देखेंगे अब वो खीर ना। ऐसा ना हो कि ज्यादा गाढ़ी बनी तो बेगम ही भाग गई, ये भी है, तो इसलिए जरा ख्याल रखें और गुलजार भाई की रेसिपी को फॉलो करें ताकि आपका घर जो है वो भी सलामत रहे। आज हमारे साथ सोनिया हुसैन, हमारे लिए बहुत ही अच्छा लम्हा है कि आप बहुत कम कम जाती हैं, आपने हमारी बारान रहमत में हिना और हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक सवाल अभी थोड़ा सा, क्योंकि वक्त है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वालदैन में आप किससे ज़्यादा करीब हैं? थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है, लेकिन किस पे आप ट्रिकी सवाल है। अच्छा, करीब वैसे तो मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं अगर वैसे कहा जाए कि साइकोलॉजिकली मैं किससे करीब हूँ, तो वो आई थिंक अम्मी, मैं कहूँ अम्मी से, कि उनसे हर बात करना, क्योंकि शुरू से बचपन से अम्मी हमेशा साथ साथ रही हैं, तो हर चीज़ें उनसे, कोई भी बात हो, किसी से बात भी हो रही है तो वो भी अम्मी को पता होती है, हर चीज़ अम्मी को पता होती है। बट मुझे लगता है इमोशनली मैं फादर से बहुत अटैच्ड हूँ, क्योंकि अम्मी आई थिंक गुस्से में कुछ तरह भी कह देती है ना, तो वो इतना फील नहीं होता, अब वो ऐसे आँख उठा के भी देखते हैं ना तो बहुत फील होता है, और वो आई थिंक उनका प्यार करना या कभी कह देना कि बेटा करके भी बात करना ना, तो वो भी ऐसा लगता है बस रो दो, तो मैं अब तो बेटी कह के भी अगर आपको बुलाए तो बेटी हो और सोनिया हुसैन जैसी हो तो फिर क्या माशाल्लाह। बट आई थिंक सारी माँ बाप की दुआएं ही होती हैं जो आप कुछ कर पाते हैं, वरना किसी हमारे या आपके तो बस में नहीं है कि हम कुछ भी जिंदगी में कर सके, ऐसे ही है। अच्छा सोनिया, क्योंकि काम बहुत टफ होता है, गर्मी होती है, दिन में आप 10-10, 12-12 सीन्स कर रहे होते हैं, फिर एक पूरा क्रू होता है सेट के ऊपर, तो बहुत सारे आप मैं सिर्फ एक्टर्स का तो नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं जो एहसास नहीं करते कि हो सकता है कि सामने वाले को भूख लग रही हो या प्यास लग रही हो, वो मजबूर हो, तो सोनिया अगर किसी ऐसे शख्स को देखती हो दिल में क्या आपके ख्याल आता है कि यार इसको एहसास नहीं है, या एहसास जब आप खुद कि कोई खाना खा रहा हो, नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्टर या कोई और शख्स किसी का एहसास नहीं कर रहा, सो हाउ डू यू फील, उनको समझाने जाते हो आप? जैसे अभी हमारे शेफ साहब ने एहसास नहीं किया हमारा नहीं, आप ये कह रही हैं कि जैसे कि रोजों में कोई और खाना खा रहा हो, ये फॉर एग्जाम्पल कोई बदतमीजी कर देता है सेट पे, किसी को गुस्सा आ जाता है, एक्टर्स बदतमीजी कर रहे होते हैं, दूसरा एक्टर देख रहा होता है, तो हाउ डू यू फील, यू गो आउट टू देम, आप उनको समझाते हो कि यार आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए? आई थिंक समझाना तो बेशक चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो क्योंकि हीट ऑफ
ऑफ द मोमेंट होता है उस वक्त फौरन अगर आप बात करेंगे ना तो दूसरे इंसान को कभी भी समझ नहीं आएगी. बिल्कुल. तो बात कभी भी मैं हमेशा अपनी जिंदगी में यही रखती हूँ कि कभी भी आपको किसी से आर्ग्यूमेंट आपको लग रहा है बढ़ रहा है तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं आप गलत हैं या आपकी ये बात गलत है. मैं उस वक्त कहती हूँ अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हैं, फिर उसके दो तीन दिन बाद आप वो बात कहेंगे ना आपकी बात भी ठीक हो जाती है, वो मान भी लेते हैं और क्योंकि ऑब्वियसली वो उस टेम्परमेंट उनका भी ठीक होता है. तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छी लॉजिक है. बाकी जो खाना खाने की बात है तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ओ हमारा तो रोज़ा है आप यहाँ क्यों खाना खा रहे हैं और बाहर जाके खाएं. तो मुझे लगता है रोज़ा इम्तिहान ही इन चीज़ों का है. बिल्कुल. वो रोज़े का मतलब ये नहीं कि हर कोई आपसे अच्छी तरह बात करना शुरू हो जाए या हर कोई सिग्नल्स पे हर कोई सिग्नल पे खड़ा होना शुरू हो जाए. मतलब आपका अपना इम्तिहान है लेकिन वो सारी चीज़ें जो गलत ज़िंदगी में हो रही हैं उससे कैसे आप हैंडल भी करें और साथ साथ अपना टेम्परमेंट भी अच्छा रखें. तो रोज़े का मकसद ही आई थिंक ये. बिल्कुल. कोई खा भी रहा हो तो आपको पता हो कि मेरी विलिंग मैं अपनी विल पावर के थ्रू की वजह से नहीं खा रहा हूँ, मुझे अपना वो कहना है कि नहीं मुझे रोकना है. तो उससे आई थिंक आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए. अच्छा सोनिया आपको ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ लोगों में एहसास कम हुआ है या वक्त के साथ साथ लोगों में एहसास ज़्यादा आ गया है, क्या लगता है? कभी कभी लगता है एहसास बहुत ज़्यादा आ गया है, कभी कभी लगता है नहीं कम भी. आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उसकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्या चल रहा है. कि बहुत सारे लोग ऐसे घरों से आ रहे होते हैं जिनके घर में बहुत यू नो फैमिली होती है, हर चीज़ का प्रेशर होता है, बातें इस तरह अपने घर से वो इतनी चीज़ें निमट के आ रहे होते हैं ना कि बाहर कोई चीज़ अचानक से होती है तो वो रिएक्ट करते हैं उसे. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं. बहुत लोगों के माँ बाप बीमार होते हैं या उनकी अपनी बड़ी परेशानियाँ होती हैं तो वो किसी और की परेशानी पर फौरन से रिएक्ट करते हैं. ये इतना तो अच्छा आपने पॉइंट उठाया है क्योंकि कभी कभी वाकई हम लोग नहीं इस बात का एहसास करते कि आम लोग जो है कितनी मुश्किलात के बाद वो फिर भी बाहर काम कर रहे होते हैं. अपनी कितनी बैटल्स होंगी जो घर से लड़के आ रहे होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे में उनका थोड़ा सा एहसास करना चाहिए. आज हमारा एक टॉपिक जो था उस रिलेटेड हम आपसे बात तो नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि एक्टिंग में आपका तजुर्बा है, आप बाहर भी गई हैं, आपने काम किया है, हम लोग थोड़ा सा ये जो हवस है और जो हम चीज़ें महंगी कर देते हैं ईद पे हमारे, हालांकि आपने बाहर देखा होगा कि जब कोई कभी उनकी कोई क्रिसमस है या कोई और न्यू ईयर है या उनकी कोई और ऐसे त्यौहार है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, इतनी सेल लगती है. तो जहाँ आपने इतना अच्छा मैसेज ये वाला दिया है कि एहसास करें लोगों का, कुछ हमारे ज़खीरा अंदोज़ों को भी कोई अगर अच्छा सा मैसेज देना चाहे. बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी बात की है ये. और मैं हमेशा इतना मुझे अफसोस होता है बात सोचे कि वो सारी चीज़ें जो हमारा रिलीजन हमारा इस्लाम हमें सिखाता है वो सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट बाहर के लोग कर रहे हैं. अब ये बात नहीं कि उनका उनका मजहब उन्हें नहीं सिखाता, उनका मजहब भी उनकी अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन हमारा मजहब इतना मुकम्मल मजहब है जो कि आपको उठने से लेके बैठने से लेके पानी कैसे पीना है हर चीज़ उसमें लिखी हुई है, मगर हम उसको फॉलो नहीं करें. मेरे ख्याल से ये जो सारी चीज़ें आप कहते हैं ना ज़खीरा अंदोज़ी और महंगा कर देना, मुझे लगता है कि ये इसीलिए कि सब मज़हब से दूर हैं और उनका जो बिलीव है ना वो ये नहीं है कि भाई जितना रिस्क आपके लिए लिखा है वो उतना ही आपको मिलना है. आप बेशक 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए में आप करके आज 4 रुपए घर तो ले आएंगे लेकिन वो 2 रुपए कहीं ना कहीं और से आपके निकल जाएंगे. खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया है, खुदा ना खास्ता आपने कहीं खो दिए हैं वो पैसे या वो कोई घर में कोई काम आ गया वो 2 रुपए कहीं और लग जाएंगे, लेकिन आपको मिलना वो 2 रुपए है जो आपके ऊपर आपके रिस्क में लिखा है. तो अगर हम ये, मेरा तो ये शुरू से बिलीव है कि जो लिखा है ना वो कभी भी, यही मैं 1.5 साल जो बैठी रहती हूँ मुझे पता है कि ड्रामा आना है तो आना है, नहीं आना तो नहीं आना. तलाश करता है आपको, तलाश करता है. और यकीन जाने कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये मेरा जब से मैंने अपना ये माइंडसेट बनाया कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि आज मेरे बैंक में शायद कभी होता भी 8-10 हज़ार रुपये होता मैं कहती हूँ कैसे महीना चलाऊंगी, लेकिन वो महीना अल्लाह ताला पूरा करता है क्योंकि आपको उस पर भरोसा है वो करेगा माशाल्लाह. अच्छा सोनिया वक्त के साथ साथ इतनी महंगाई बढ़ गई है, आजकल पाकिस्तान में हर शख्स सिर्फ महंगाई का ही रोना रो रहा है. तो सोनिया हुसैन कैसी हैं, मतलब शाहखर्च हैं, खर्च कर देती हैं, ये चीज़ अच्छी लग रही है खरीद रही हूँ, या कहती हैं कि नहीं मैं प्लानिंग के साथ बार्गेनिंग करती हैं? करती हूँ बहुत करती हूँ लेकिन बार्गेनिंग आई थिंक यही होती है पाकिस्तान में ही हो सकती है, क्या वो पता है वही वाली क्योंकि 2 रुपए की चीज 4 रुपए बेच रहे होते हैं वो लिटरली. तो जी मैं बार्गेन तो कभी कभी करती हूँ लेकिन ये कि सॉरी मुझे इतनी चीज़ें रिलेट करी मैं भूल गई आपका सवाल. सवाल ये है कि शाह खर्च है या कि प्लानिंग के साथ चलती हैं कि नहीं यार पैसे सेव करने हैं? प्लानिंग के साथ चलती हूँ. शाह खर्च मैं एक ज़माने में बहुत थी जब
जब इतने ज़्यादा आपको जिम्मेदारियाँ का एहसास नहीं होता, आप जब छोटे होते हैं, टीन एज में होते हैं, तो ये होता है ये भी ले लो वो भी ले लो जहाँ जा रहे हैं. लेकिन अब ये कि और फिर आई थिंक बाय द टाइम आपको ये भी सिर्फ ये बात नहीं कि पैसे सेव करने, ये भी होता है कि आपको समझ आ जाती है कि ज़रूरत नहीं है इस चीज़ खर्च करूँ. बिल्कुल, लेने का अब ये होता है कि जितनी जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है इसके बगैर मुझे रहना नहीं है, तो वो मैं लेती हूँ. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कंजूस भी नहीं हूँ, जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं. सही है, वो कर रहे हैं. और अली भाई, हमारी जो गुफ्तगु रह गई थी वो सोशल मीडिया से रिलेटेड गुफ्तगु हम कर रहे थे. हाँ. कि लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं, काफी सारी चीजें बोल रहे होते हैं. सो सोनिया, आप उन सबको क्या एक अच्छा सा मैसेज देना चाहोगी, उन लोगों को भी जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं और उन लोगों को भी जो पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं, क्या एक मैसेज सोनिया हुसैन देना चाहेंगी उन सबको? पॉजिटिव करने वाले भी बहुत होते हैं, बल्कि वो ज्यादा तादाद होती है. लेकिन नेगेटिव करने वाले भी उस पर देखें, हम पे या जिसके लिए आप नेगेटिविटी कर रहे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए. जो खुद कर रहे होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल बना रहे होते हैं. होता ये कि क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपकी थॉट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, तो जो थॉट्स आप अपने दिमाग में रख रहे होते हैं, जो अल्फाज आप अपने मुँह से निकाल रहे होते हैं ना, इवेंचुअली उसकी आपकी जो एनाटमी है ना, उस तरह से चेंज होने लग जाती है. आप देखें कि बहुत सारे लोगों के चेहरे जो है ना, आप देखेंगे बहुत कुछ सख्त हो जाते हैं, सख्त होते हैं, गुस्सीले चेहरे होते हैं. वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी थॉट्स उनको कंट्रोल कर रही होती हैं, वो आपकी फिजियोलॉजी सारी उस तरह से डेवलप होना शुरू हो जाती है. तो आप गलत अपने लिए कर रहे होते हैं.